तो दोस्तों हमारे चैनल के ग्रो होने की शुरुआत तब होती है जब हम अपने YouTube चैनल पर सही तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रुको जरा, सबर करो। आपने खेत की जुताई की, उस खेत की जुताई करने के बाद आपने उसमें बीज डाला, बीज डालने के बाद उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से खाद पानी दे रहे हो, लेकिन आपकी फसल हो ही नहीं रही अच्छी। आप बहुत परेशान हो गए हो कि भाई मैंने इतना सारा मेहनत किया, बहुत अच्छे से खाद डाला, अच्छी अच्छी किस्म की खाद डाली, पानी रेगुलर मैंने दिया, तो फिर मेरी फसल यहाँ पर अच्छी क्यों नहीं हुई? तो जानते हो क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने बीज ही सही तरीके से नहीं डाला था, यानी कि अच्छी क्वालिटी की बीज ही आपने सही से नहीं डाला था। तो चाहे आप कितना भी उसमें खाद डालो, कितना भी आप उसमें पानी दे दो, भैया वो तो बीज पहले से ही गड़बड़ था ना, तो कितना भी खाद पानी देने के बाद उसमें कितनी जान आएगी, वो अपने अनुसार ही उगेगा, वो अपने अनुसार ही वहां पर उपज होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसा आप बोओगे वही आप काटोगे। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पर चैनल की ग्रो होने की शुरुआत वहीं से हो जाती है। अगर आप सही तरीके से वीडियो अपलोड करते हो तो आपका चैनल सही होगा, अगर आप गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हो तो आपका जो चैनल है वो ग्रो नहीं होगा, डाउन जाने लगेगा। तो यहाँ पर आपको मैं दो तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके बताऊंगा। कई सारे आपने वीडियो देखी होगी, कई सारे यूट्यूबर आपने बताए होंगे, आप लोगों को बताए होंगे इस तरीके से वीडियो अपलोड करो, ऐसे वीडियो अपलोड करो, चैनल ग्रो होगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, देखो समझो, इसके बाद उन सारे वीडियो से आप कंपेयर करना कि क्या मैं सही बता रहा हूं, क्या मैं गलत बता रहा हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका दिमाग टक से खुलेगा और आपको पता चल जाएगा कि हमें वीडियो कैसे अपलोड करनी चाहिए, किस टाइम पर वीडियो अपलोड चाहिए और कैसे अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि चैनल का सारा ग्रो होने का यहीं से खेल स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह की कंटेंट आपको अपने चैनल पर लाते रहता हूं जिससे कि आप अपने चैनल को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहां पर चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर ग्रो होने की शुरुआत तब होती है जब अपने चैनल पर वीडियो सही से अपलोड करते हो। सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि वीडियो अपलोड करना ही आपके चैनल को बूस्ट करता है। अगर आप सही टाइम पर सही तरीके से वीडियो अपलोड नहीं किए तो आपके चैनल पर चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट बनाओ, कितना भी अच्छा थंबनेल बनाओ, कितने भी अच्छे टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाओ, कितने भी अच्छे से आपने SEO किया हो, आपका वीडियो बेकार हो जाता है, यानी कि वीडियो डेड हो जाती है, वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। तो यहां पर दो पॉइंट मैं बताऊंगा, पहला पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक हमेशा ब्रह्मास्त्र रहता है। पहले पॉइंट में अगर आपका काम नहीं हो तो दूसरा पॉइंट में आपको 100% हो जाता है। तो यहां पर चलिए मैं वीडियो को बताता हूं कैसे आपको करना है। तो आपको बगल में यहां पर एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट यहां पर आपको दिख रहा है, और यहां पर दिखा हुआ है मेरी वीडियो का एनालिटिक्स दिया, ठीक है। आप इस तरह से अपने वीडियो में एनालिटिक्स में जा सकते हो, और यहां पर आपको क्या दिखा है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और यहां पर जहां ज्यादा डार्क है उसका मतलब क्या है कि यहां इस टाइम पर हमारे यूजर जो है एक्टिव रहते हैं। रुको जरा, सबर करो। लेकिन दोस्तों ये नहीं, ये गलत तरीका यहां पर बताता है। अगर इस चीज में आप फंसोगे तो यहां पर आप क्या है, वीडियो खराब हो जाएगी। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। यहां पर देखिए, आपको जो डार्क बताया इसका मतलब यहां का है क्या है कि ऊपर में लिखा है कि when your viewers are on YouTube, मतलब जिस टाइम पर आपके व्यूअर्स YouTube पे रहते हैं वो आपको यहां पर एक डेटा बताया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप जैसे ही नीचे आओगे, ठीक है, नीचे आने के बाद आपको यहां पर एक और स्क्रीन दिख जाती है, देखिए क्या लिखा है यहां पर, वीकली और डेली, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेडनेसडे 1 PM और डेली क्या लिखा है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब यहां पर आपको 1 PM करके दिखाया है। और यहां पर ऊपर में जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सैटरडे संडे 11 बजे से लेकर बहुत ज्यादा व्यूअर्स यहां पर एक्टिव हैं। तो अब आपको लगे कि हम यहां पर 11 बजे हमारे ज्यादा व्यूअर्स हैं, यहां पर आप वीडियो अपलोड कर दे, लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पर नीचे आपको उसने बता दिया है कि आपको 1 बजे वीडियो अपलोड करना है। बहुत सारे लोगों के वीडियो में ये नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों के एनालिटिक्स में ये नहीं मिलेगा, मुझे पता है कि ये कब मिलेगा, संडे के दिन हर दिन मिलता है। आप यहां पर जाके अपनी वीडियो का एनालिटिक्स चेक कर सकते हो, और उसके बाद यहां पर आप देख लोगे कि आप मेरा मतलब एक हफ्ते का यहां पर आपको डेटा बताता है कि आपको किस टाइम पर वीडियो अपलोड करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यही देख लेते हैं, जो ज्यादा डार्क रहता है सोचते हैं कि अब हमारी वीडियो इसी टाइम पर हम अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद भी व्यूज नहीं आता। शुरुआत में मैं भी यही करता था कि अरे यार इस टाइम पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, व्यूज क्यों नहीं आ रहे। लेकिन जब मैं इस तरीके से समझा, इसको अच्छे तरीके से समझ लिया कि भैया वीडियो अपलोड करने का सही टाइम क्या होता है, तो मेरे वीडियो पर देखो अच्छे खासे व्यूज यहां पर आने लग रहे हैं। आज वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, आज मैंने जो वीडियो अपलोड किया उस पर जाके देखोगे ना, 2-3 घंटे के अंदर में 3000 व्यू यहां पर पहुंचने वाले हैं, 3 घंटे के अंदर में, और वैसे भी 5-6 घंटे में लग जाते हैं। लेकिन यहां पर मुझे, मैं भ्रम खा गया,
मैं अपने आईटी स्टूडियो में गया, वहां पर जब देख रहा हूं कि मुझे आज के दिन में मेरा दिखा रहा है कि कोई व्यूवर्स एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 1 बजे वीडियो अपलोड किया और मुझे अच्छे खासे यहां पर रिजल्ट मिल गए। तो ये पहला पॉइंट हो गया, आपको इस तरीके से ढूंढना है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको दूसरा पॉइंट यहां पर बताता हूं, ये आपको मिलेगा वाईटी स्टूडियो में। वाईटी स्टूडियो में आपको ओपन करना, ओपन करने के बाद यहां पर आपको चले जाना है किसी एनालिटिक्स में, ओवरऑल एनालिटिक्स में चले जाना है और यहां पर आपको देखना है रियल टाइम व्यूज। ठीक है, जैसे कि अभी मेरा रियल टाइम व्यूज आपको दिख रहा है 36,000। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया हुआ है, क्लिक किया, देखिए यहां पर मुझे दिखा रहा है कि 8:30 AM पर मेरा है जो है बहुत कम ऊपर है, मतलब बहुत कम व्यूअर है। यहां पर जो सबसे ज्यादा ऊपर दिख रहा है और सबसे ज्यादा जो डाउन दिख रहा है, ऊपर और नीचे वाला जो डाउन दिख रहा है, यहां पर आप जब क्लिक करोगे तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने क्लिक किया और मुझे दिख रहा है कि 3:30 बजे यहां पर शाम के टाइम पे 3:30 बजे मुझे कितने व्यूज मिले हैं, 1600। यानी कि मेरा इस टाइम पर व्यूअर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। पीएम एएम भैया आपको ध्यान देना है, जिस टाइम पर डाउन रहते हैं उस टाइम पर आपको वीडियो कभी भी अपलोड नहीं करना, और जिस टाइम पर अप हैं उस टाइम पर ही आपको वीडियो अपलोड करना है। आप अपने वीडियो को अच्छे तरीके से कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए, सारे फीच आपको अपने मतलब वीडियो में कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको उस पे प्राइवेट रखना है, अनलिस्ट रखना है, उसमें सही तरीके से टाइटल डिस्क्रिप्शन लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको जब इसी टाइम पर अपना जब देख लीजिए कि हमारे व्यूअर्स कब ज्यादा, हमारा व्यूज ज्यादा ऊपर जाता है, उसी टाइम पर वीडियो अपलोड कर दीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये जो तरीका है उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और इस तरीके से अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज की प्रमोशन पे जो विनर, उनके चैनल का नाम है रुचि FF, उनकी वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर उनकी वीडियो को देखिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपकी वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, तो बस आपको काम करना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद बगल में जो बेल आइकन उसे ऑल पर प्रेस करना है, इसके बाद एक छोटा सा कमेंट करना, इसके बाद आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट वीडियो शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।